Drop it. Hi friends, my name is CA Manoj Gupta and welcome to All About Taxes. Today we will discuss about GST, an overview. दोस्तों आज हम GST के बारे में डिस्कस करेंगे और GST का पूरा ओवरव्यू लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दोस्तों इसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ड्राफ्ट लॉ होगा। डेट मीन्स प्रोपोज्ड लॉ, क्योंकि जब तक जीएसटी फाइनल नहीं हो जाता, पॉसिबिलिटीज हैं कि जीएसटी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। तो दोस्तों जो हम पढ़ेंगे और शायद जो एप्लीकेबल हो उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम उन डिफरेंसेस को कवर करने की। मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो जाता, हम जो भी पढ़ेंगे वो एक ड्राफ्ट होगा, प्रपोज्ड लॉ होगा। दोस्तों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था CGST क्या है, SGST क्या है, IGST क्या है और UTGST क्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन चारों टैक्सेस की, तो इनके लिए हमें अलग अलग एक्ट पढ़ने होंगे। अगर मैं CGST की बात करता हूँ तो CGST के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगर मैं बात करता हूँ SGST की, दोस्तों SGST हर स्टेट का अपना एक एक्ट होगा। जैसे हम वैट के अंदर स्टेट वाइज वैट की स्टडी करते थे, ऐसे ही हमें SGST स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 31 SGST एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से 29 तो स्टेट्स के रिगार्डिंग रहेंगे और जो दो रहेंगे वो रहेंगे यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ये दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो SGST एक्ट के अंडर कवर होंगी। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नाम के ही 31 है, ये मोर एंड लेस SGST एक्ट ही है, इसको सिर्फ स्टेट का नाम दे दिया गया है। दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही रहेंगे, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 को स्टडी कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए हमने 31 के 31 SGST एक्ट्स को पढ़ लिया है। कुछ स्टेट वाइज थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि हमें स्टेट टू स्टेट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मैं अगर बात करूँ IGST की, दोस्तों IGST के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, UTGST। UTGST के लिए दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा यूनियन यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017।
दोस्तों, इन चार एक्ट्स के अलावा हमें एक और एक्ट पढ़ना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर, जो कि बेसिकली आपका होगा गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि जीएसटी के अंदर कुछ स्टेट्स को ऐसा लगता है कि उनके स्टेट रिवेन्यूज का लॉस होगा, तो इन दैट केस जीएसटी के अंदर उनके लिए अलग से कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट रखा गया है ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके। दोस्तों, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एज ए प्रोफेशनल या फिर एज ए बिजनेसमैन, हमारा इस एक्ट से कोई खास लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कंपनसेट करेगी। लेकिन दोस्तों, हम इसको भी अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। दोस्तों, अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए हम ऑलमोस्ट सभी एक्ट्स को कवर कर लेंगे। कुछ डिफरेंसेस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की, इसके अंदर 174 सेक्शंस हैं और 14 रूल्स हैं और अभी तक 3 शेड्यूल्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम 174 सेक्शंस, 14 रूल्स और 3 शेड्यूल्स को स्टडी कर लेते हैं तो जीएसटी पर हमारी एक अच्छी कमांड हो जाएगी और मोर एंड लेस हम सभी जीएसटी के सभी एक्ट्स को कवर कर लेंगे। दोस्तों, इन सेक्शंस में, इन रूल्स में और इन शेड्यूल्स में कुछ भी चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। कोई भी सेक्शंस इंसर्ट किया जा सकता है, कोई भी सेक्शन रिमूव किया जा सकता है, जब तक कि ये एप्लीकेबल नहीं हो जाता। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेक्शन वन की, सेक्शन वन के अंदर बेसिकली यह बताया गया है कि जो CGST एक्ट है 2017, उसका नेम क्या रहेगा? नेम रहेगा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसके बाद यह बताया गया है कि यह कहां कहां एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, जो CGST एक्ट 2017 है वो एप्लीकेबल होगा टू होल इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, क्यों जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा गया? इनिशियली अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर को CGST एक्ट के अंदर कवर किया गया था, लेकिन बाद में इसको CGST से हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको फिर एक बार क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हमारी जो यह वीडियो है वो सिर्फ एक ओवरव्यू रहेगी कि जीएसटी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। हम कोई भी प्रोविजन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद कमेंसमेंट, सेक्शन वन के अंदर ही कमेंसमेंट में यह लिखा गया है कि जो CGST एक्ट है वो कमेंस होगा एज ऑन द डेट नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जिस स्टेट को नोटिफाई करेगी उस स्टेट से यह लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा, यह एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों हमें पूरी पूरी उम्मीद है 1 जुलाई 2017 से यह एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के अंदर एक प्रोविजो दिया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स रख सकती है। उसके बाद सेक्शन टू की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन टू के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस कवर की गई हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं अराउंड 121 डेफिनेशंस सेक्शन टू में दी गई हैं, जो आप बहुत सारी टर्म्स डिफाइन करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी, लाइक इनपुट्स क्या रहेंगे, इनपुट्स सर्विस क्या रहेंगी, कैपिटल गुड्स क्या होंगे, जॉब वर्क क्या रहेगा, सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी, रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। 121 डेफिनेशंस अब तक दी गई हैं। दोस्तों आगे बढ़े हम अगर सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 3-6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। इसके अंदर बेसिकली जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन पावर रखे गए हैं, लाइक जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी पावर्स क्या क्या रहेंगी, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, इस तरीके की कुछ बातें रहेंगी सेक्शन 3-6 के अंदर। दोस्तों उसके बाद आबारी आती है सेक्शन 7-9 की। दोस्तों ये हमारे CGST एक्ट के चार्जिंग सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन 9 की। जैसा अभी तक हम पढ़ते आए थे, एक्साइज के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट रहती थी वो रहती थी मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर मैं बात करूं वैट की या सेल्स टैक्स की, तो उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट रहती थी सेल। इसी तरह अगर मैं बात करूं सर्विस टैक्स की, तो उसके अंदर रहती थी प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। दोस्तों अगर मैं बात करूं जीएसटी की, जीएसटी के अंदर इनमें से किसी भी उसको टैक्सेबल इवेंट नहीं माना गया है। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट रखा गया है, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट रखा गया है सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज के लिए कॉमन टैक्सेबल इवेंट रखी गई है। दोस्तों हम डिटेल में स्टडी करेंगे सप्लाई को अपने आने वाले लेक्चर्स में। हमारा पूरा जीएसटी लॉ इसी पर ही बेस्ड है। अगर हम सप्लाई को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम जीएसटी पर एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन 8 की, सेक्शन 8 के अंदर इस तरह की बातें की गई हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होगा। सेम चीज हम ऑलरेडी एक्साइज में और सर्विस टैक्स में भी कवर कर चुके हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिट सप्लाई की और बात करूं मैं मिक्स सप्लाई की, तो दोस्तों कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जहां पर टू और मोर सर्विसेज, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, तो वहां पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी प्रिंसिपल सप्लाई वाली।
लेकिन दोस्तों अगर सप्लाई मिक्स है, दैट मीन्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, इन दैट केस टू और मोर सप्लाई एंड प्रिंसिपल सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। तो दोस्तों इस केस में जो भी सप्लाई हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी करेगी उसी को मान लिया जाएगा सप्लाई फॉर जीएसटी पर्पस। और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों कि क्या मिक्स सप्लाई रहेंगी और क्या रहेगा कंपोजिट सप्लाई के केस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 7 की, सेक्शन 7 के अंदर बेसिकली दोस्तों सप्लाई इंक्लूड्स सेक्शन 7 के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, किस किस को हम सप्लाई में कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 कहता है सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, डिस्पोजल, रेंटल, लीज। तो दोस्तों इसमें बेसिकली सेक्शन 7 के अंदर जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि सप्लाई इन सब को इंक्लूड करेगी, किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि सप्लाई इनको तो कवर करेगी ही करेगी। तो दोस्तों 7 to 9 आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब उसमें क्या रहेगा, 7 के अंदर रहेगा सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करेगी, 8 के अंदर रहेगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होगी कि केस में क्या होगा, और 9 के अंदर तो बेसिकली हमारा चार्जिंग सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ऑन सप्लाई। ऑन व्हाट सप्लाई, सप्लाई पर क्या रहेगा, एक टैक्स रहेगा जिसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सर्विस टैक्स कहेंगे। देयर शैल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड CGST ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो दोस्तों 7 to 9 में कुछ ऐसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं सेक्शन 10 की, दोस्तों सेक्शन 9-10 पर आने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूं। सेक्शन 9 के अंदर रिवर्स चार्ज का प्रोविज़न भी हमारा सेक्शन 9 के अंदर ही कवर होगा, जिसमें बेसिकली यह बताया गया है कि कुछ सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज रहेगा और इन दैट केस सप्लायर टैक्स ना देके रिसिपियंट टैक्स देगा। इसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का रखा गया है, जो हमारे ये जो ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह से, ये इनके लिए रखा गया है बेसिकली दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में भी GST एप्लीकेबल होगा और उनको भी CGST पे करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 दोस्तों, सेक्शन 10 कुछ बातें करता है कंपोजिशन स्कीम की, कंपोजिशन स्कीम्स की कुछ बातें करता है। दोस्तों हम अपने एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर भी, लाइक अगर मैं बात करूं वैट के अंदर, एक्साइज के अंदर भी कंपोजिशन स्कीम्स होती है जिसमें एक लोअर रेट ऑफ टैक्स रखा जाता है और उसमें कंप्लायंसेस कुछ कम रखी जाती हैं SSCs के लिए। तो सेम तरह के प्रोविजन GST के अंदर भी रखे गए हैं दोस्तों।
दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सेक्शन 10 के साथ ही हमें पढ़ने पड़ेंगे जीएसटी कंपोजिशन रूल्स। जिसमें बेसिकली प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे एक एसएससी अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर कराएगा, क्या क्या उसे फॉर्मेलिटीज, क्या क्या उसे फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, ये सब बताया गया है। 14 रूल्स में से एक रूल है जीएसटी कंपोजिशन रूल। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपोजिशन स्कीम को लेकर थोड़ी सी, तो इसमें कुछ इस तरीके की बातें की गई हैं कि कोई एसएससी जिसकी टर्नओवर लेस देन अप टू ₹50 लाख इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी टर्नओवर लेस देन अप टू 50 लाख रुपीज़ है, इन दैट केस आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में जाने का फ़ायदा क्या होगा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर? दोस्तों कंपोजिशन स्कीम में कहा गया है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर आप सिर्फ 1% का टैक्स पे कीजिए। इन केस ऑफ ट्रेडर अगर मैं बात करूँ तो कहा गया है कि 0.5% टैक्स पे कीजिए। और इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स आप 2.5% टैक्स पे कीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको कोई भी इनपुट नहीं दिया जाएगा, साथ ही आप कोई भी टैक्सेबल इनवॉइस रेज नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके की बातें रहेंगी दोस्तों इसके अंदर, देखेंगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। इसके बाद बात आती है सेक्शन 11 की। दोस्तों अगर मैं सेक्शन 11 की बात करूं तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस की बातें रहेंगी कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज पर एग्जेम्पशंस दे सकती है, फुल्ली भी दे सकती है और पार्शली भी दे सकती है। उसके बाद फिर बारी आती है सेक्शन 12 to 15। दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्शन 12 की, इस पे बताया गया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, जो गुड्स की जो सप्लाई रहेगी उसका टाइम क्या माना जाएगा। फिर बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज की जो सप्लाई रहेगी उसका टाइम क्या माना जाएगा। दोस्तों टाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सप्लाई जब होगी तो उस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी। और सीजीएसटी सप्लाई पर लगने के लिए हमें यह पता लगना जरूरी है कि सप्लाई कब हुई है। अगर हमें यही पता नहीं चलेगा कि सप्लाई कब हुई है तो हम सीजीएसटी कैसे चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो हमें टाइम का पता होना जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि गुड्स और सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग क्यों रखी गई। दोस्तों गुड्स और सर्विसेज दो अलग नेचर, दोनों का नेचर अलग है। गुड्स और सर्विसेज दोनों का नेचर अलग है, तो दोनों का नेचर अलग होने की वजह से उनकी जो टाइम है वो भी अलग होंगी। तो दोस्तों सेक्शन 12 के अंदर हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और 13 के अंदर हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो सेक्शन 12 के अंदर कुछ इस तरीके की बात की गई है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी रेजिंग ऑफ इनवॉइस, इशूइंग ऑफ इनवॉइस। इन केस अगर इनवॉइस इशू नहीं होता है तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड, जिस दिन
ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशू। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है तो वो डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और सी पेमेंट रिसीव्ड। विच एवर अर्लियर, इन तीनों में से जो भी पहले होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैं बात करूं सेक्शन 13 की, जिसमें बताया गया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में दोस्तों दोस्तों अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सर्विस, जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा अगर इनवॉइस इश्यूड है तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इन केस अगर नो इनवॉइस इश्यूड, अगर इनवॉइस नहीं इशूड किया गया तो जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। और दोस्तों अगर इन दोनों ही सिचुएशंस से अलग कोई सिचुएशन है तो इन दैट केस जो रिसिपियंट है जिस डेट में, डेट इन ऑन विच रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ सर्विस, तो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा जिस डेट पे जो रिसिपियंट है वो अपनी बुक्स में सर्विस को एज ए रिसीव्ड रिकॉर्ड करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ बात होंगी रेट ऑफ टैक्स के चेंजेस को लेकर, अगर चेंज हो जाता है लाइक पहले 18% पर टैक्सेबल था, 28% पर टैक्सेबल है, तो इन दैट केस क्या होगा। लाइक पहले जीरो रेट ऑफ टैक्स था, अब 5% रेट ऑफ टैक्स हो गया, इन दैट केस क्या रहेगा। तो कुछ ऐसी बातें रहेंगी सेक्शन 14 के अंदर। उसके बाद बात आती है सेक्शन 15 की, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। दोस्तों जैसा कि हम अर्लियर लॉज के अंदर एक्साइज के अंदर भी पढ़ते थे वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कैसे निकाला जाता है, सर्विस टैक्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज कैसे निकाली जाती है, इसी तरह जीएसटी के अंदर रहेगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन की, तो वो कहता है कि सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा ऑन व्हाट, ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई गिवन अंडर सेक्शन 15। तो वहाँ पर साफ साफ क्लियरली मेंशन है सेक्शन 15 के अंदर जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी उसके ऊपर सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 15 के अंदर क्या रहेगा, वैल्यूएशंस की कुछ बातें होंगी कि किस तरह सप्लाई की वैल्यू निकाली जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशंस की, तो इसके साथ ही हमें पढ़ने पड़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स। तो हमारा दूसरा रूल्स रहेगा जीएसटी वैल्यूएशंस रूल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सप्लाई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है सेक्शन 16-21, जो कि बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के, कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के रूल्स क्या क्या रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही हमें यहां पर पढ़ने पड़ेंगे जीएसटी इनपुट रूल्स।
दोस्तों, जीएसटी इनपुट रूल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाएगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, अपोर्शनमेंट कैसे रहेगी इनकेस अगर आप बिजनेस और पर्सनल दोनों तरह की सप्लाई यूज करते हैं, इनकेस आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्ट सप्लाई अगर आप दोनों सप्लाई करते हैं तो इन दैट केस टैक्स क्रेडिट को कैसे अपोर्शनमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस लाइक कंपोजिशन से नॉन कंपोजिशन या नॉर्मल केस के अंदर नॉन कंपोजिशन में अगर कन्वर्ट होता है तो इन दैट केस इनपुट टैक्स क्रेडिट्स क्या रहेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी में हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 सेक्शन 140 जो कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंडर आता है, जिसमें हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर जो हमारा आईटीसी है उसको जीएसटी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम पढ़ेंगे यहां पर जीएसटी ट्रांजिशनल रूल्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 जो कि रजिस्ट्रेशन की बातें करेंगे और इसी में साथ में हम पढ़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल्स। दोस्तों सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 के साथ ही हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 जो कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंडर आता है, जो कि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है इन एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज उनको कैसे जीएसटी के अंदर माइग्रेट किया जाएगा, उनको कैसे जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 प्लस सेक्शन 139 इसमें हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 31 टू 34 इसमें हम पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग। बेसिकली अगर आप कोई भी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई अगर आप करते हैं तो इन दैट केस आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग देयर ऑफ, इन दैट केस आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे डेबिट नोट के कुछ प्रोविजंस और क्रेडिट नोट के कुछ प्रोविजंस। दोस्तों इसके साथ ही हम पढ़ेंगे जीएसटी इनवॉइस रूल्स। उसके बाद सेक्शन 35 टू 36 के अंदर हम देखेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कि जीएसटी के अंदर हमें कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उन्हें कब तक रिटेन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली 72 मंथ्स अप्रोक्स 6 ईयर्स तक हमें उन सबको रिटेन करना पड़ेगा। इसी के साथ सेक्शन 35 में कुछ ऑडिट की बात भी की गई है कि इन स्पेसिफाइड केसेस जहाँ पर आपकी टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड कर जाएगी तो आपको जीएसटी के अंदर उसको ऑडिट कराना होगा। सेक्शन 35 और 36 के साथ हम पढ़ेंगे जीएसटी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड रूल्स। इसमें साथ ही हम पढ़ेंगे जीएसटी रिटर्न्स रूल्स। अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा रहेगा, सपोज कीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये इनको सेल करते हैं, सेल को सप्लाई में इंक्लूड किया गया है दोस्तों तो यहाँ पर जीएसटी अटैक्ट हो जाएगा। अब मिस्टर ए सेल कर रहे हैं तो ये इनके लिए क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। और मिस्टर बी के लिए क्या है, इन
डिमांड सप्लाई। दोस्तों इसी तरह मिस्टर बी की और भी इनवर्ड सप्लाईज होंगी और मिस्टर बी भी आगे आउटवर्ड सप्लाई सेल करते होंगे, उनके लिए और भी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी। साथ ही मिस्टर ए बी कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे होंगे तो उनके पास भी इनवर्ड सप्लाईज होंगी। दोस्तों अगर हम बात करूँ सेक्शन 37 की, सेक्शन 37 कहता है कि ये जो आउटवर्ड सप्लाईज है इनकी आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 37 सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज की बात करता है। इसी तरह सेक्शन 38 बात करता है इनवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग। सेक्शन 38 कहता है कि आपको इनवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों अब जब डिपार्टमेंट देखेगा मिस्टर ए ने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, वो चेक करेगा कि मिस्टर बी ने उसको इनवर्ड सप्लाई में दिखाया है नहीं दिखाया है। अगर मिस्टर बी ने इनवर्ड सप्लाई में दिखा दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मैच हो जाएगा। लेकिन अगर वो इनवर्ड सप्लाई में मिस्टर बी ने नहीं दिखाया है तो वो मिस्टर ए को और मिस्टर बी को दोनों को कम्युनिकेट करेंगे कि आप दोनों चेक कर लीजिए कहीं किसी जगह कोई गलती है। तो दोस्तों इसके बाद सेक्शन आता है 39। सेक्शन 39 जो कवर करेगा वो करेगा इनवर्ड प्लस आउटवर्ड सप्लाईज दोनों को। इसकी एक रिटर्न फाइल होगी जिसको हम GST रिटर्न का नाम देंगे दोस्तों, और जो कि सेक्शन 39 में फाइल होगी। दोस्तों ये है नॉर्मल केस के अंदर। नॉर्मल केस में जो GST रिटर्न फाइल होगी वो रिटर्न फाइल होगी 20th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मींस अगर मैं बात करूं अप्रैल की तो 20th मई को, अगर मैं बात करूं मई की तो 20th जून को, कुछ इस तरह GST रिटर्न फाइल होंगी। लेकिन दोस्तों इन केस ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, हमने अभी देखा था कंपोजिशन के अंदर, अगर वो बंदा कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस जो रिटर्न रहेगी वो रहेगी क्वार्टरली 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। अगर मैं बात करूं अप्रैल टू जून तो डेट रहेगी 18th ऑफ जुलाई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इन केस ऑफ TDS डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, दोस्तों हम अभी देखेंगे 51 के अंदर कुछ TDS डिडक्शंस की बात की गई हैं। तो अगर TDS डिडक्टर है अंडर सेक्शन 51 तो रिटर्न्स जो फाइल करनी होगी वो करनी होगी मंथली और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स अगर मैं अप्रैल की बात करूँ 10th ऑफ मई तक आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। इसी तरह दोस्तों NRIs के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के केस में जो रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी वो करनी पड़ेगी 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 21 तारीख तक। तो दोस्तों ये थी बेसिकली आपकी तीन तरह की रिटर्न, सेक्शन 37 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज, 38 के अंदर इनवर्ड सप्लाईज और 39 के अंदर GST रिटर्न, इनवर्ड एंड आउटवर्ड्स दोनों सप्लाईज की डिटेल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन 40 की, तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि सपोज कीजिए मिस्टर ए आज लायबल हो जाते हैं GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए,
अभी तक इन्होंने जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मान लीजिए ये डेट है 1 जुलाई, लेकिन इनको जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन वो मिलता है, सपोज कीजिए 20th of July। तो दोस्तों इस पीरियड के बीच में जो भी उनकी आउटवर्ड सप्लाईज रहेंगी नहीं पड़ेगी उनको, उसकी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उनको एज ए फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 41 के अंदर कुछ बातें होंगी रिगार्डिंग जो भी आप ITC क्लेम करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, डिपार्टमेंट उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेगा। डिपार्टमेंट कहेगा कि आपने ठीक क्लेम किया है, लेकिन दोस्तों सेक्शन 41 में प्रोविजनली एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद सेक्शन 42 में वो मैच करेंगे आपस की सप्लाइज को। सपोज मिस्टर बी ने तो इनवर्ड में दिखा दिया, लेकिन मिस्टर ए ने आउटवर्ड में नहीं दिखाया, तो आपकी प्रोविजनली तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन सेक्शन 42 के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बात रहेंगी मैचिंग की, रिवर्सल की। पहले मैच करेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज को, उसके बाद अगर वो मैच नहीं होता तो रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद रिक्लेम ऑफ ITC इन केस अगर मिस्टर ए अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को अपडेट कर देते हैं और मिस्टर बी को शो कर देते हैं, तो वहां पर उनको रिक्लेम दे दिया जाएगा ITC का। दोस्तों उसके बाद सेक्शन 43 कुछ रिडक्शन इन आउटपुट लाइबिलिटीज की बात करेगा। सपोज कीजिए मिस्टर बी ने इनवर्ड सप्लाई में आपको इनवर्ड सप्लाई शो कर दी, लेकिन मिस्टर ए ने आउटवर्ड सप्लाई यहाँ नहीं की शो, तो मिस्टर बी को ITC का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनकी आउटपुट लाइबिलिटी निकाल दी जाएगी। अब उसके बाद अगर मिस्टर ए इन आउटवर्ड सप्लाईज को अपडेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो मिस्टर बी की जो ये लाइबिलिटीज निकाली थी इसको क्या कर देंगे, रिडक्शन इसको कम कर देंगे। तो 43 के अंदर कुछ ऐसी बातें रहेंगी दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न्स के प्रोविजंस रहेंगे। आप क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में एक एनुअल रिटर्न, साल में एक बार आपको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, जो कि 31st of December ऑफ एवरी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपको 31st December तक ही एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 45 कुछ फाइनल रिटर्न्स की बात करता है। फाइनल रिटर्न मीन्स फाइनल, आप GST को फाइनल कर रहे हो, मीन्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है कैंसिल। इन दैट केस आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होगी। ये फाइनल रिटर्न आप कब तक फाइल करेंगे, ये फाइनल रिटर्न आप फाइल करेंगे फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज अर्लियर। बात सेक्शन 46 के अंदर कुछ डिफॉल्टर्स की बातें होंगी कि डिपार्टमेंट जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनको नोटिसेस भेजेंगे और विद इन 15 डेज आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 47 के अंदर कुछ लेवीज ऑफ पेनल्टी की बात की गई है। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो इन दैट केस आपको 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों इन केस ऑफ अगर आप एनुअल रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको ये पेनल्टी 100 रुपीज पर डे ही देनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो रहेगी 5,000, लेकिन इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न जो मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी वो रहेगी 0.25% ऑफ टर्नओवर।
उसके बाद दोस्तों सेक्शन 48 के अंदर कुछ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की बात की गई है। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स तो बेसिकली इसके अंदर दोस्तों ये प्रोविजन दिए गए हैं कि कोई बिजनेसमैन चाहे तो अपने CACS वगैरह को ऑथराइज कर सकते हैं और उनको ही फिर कंप्लायंस देखनी होगी। बिजनेसमैन को कंप्लायंस फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, जो उनकी कंप्लायंसेस है वो उनके बिहाफ पे जो उनके प्रैक्टिशनर्स हैं वो करेंगे। तो दोस्तों आई होप सेक्शन 37 to 48 आपको क्लियर हो गए होंगे कि कुछ इस तरीके की बात रहेंगी। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिटर्न्स के रिगार्डिंग दोस्तों। उसके बाद आता है सेक्शन 49 to 53 जिसमें GST पेमेंट्स की बात होगी और साथ ही हम पढ़ेंगे GST पेमेंट रूल्स। तो दोस्तों अगर मैं सेक्शन 49 की बात करूं तो इसमें कुछ पेमेंट्स की बात होगी। बेसिकली दोस्तों GST के अंदर एक कॉन्सेप्ट रखा गया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब जो भी पेमेंट करेंगे टुवर्ड्स टैक्सेस टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेनल्टीज वो सभी की सभी आपके ECL अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी और वहीं से आपकी टैक्स की पेमेंट की जाएगी। अगर मैं सेक्शन 50 की बात करूं तो इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट की बातें की गई हैं। दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा एट द रेट ऑफ 18% इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट। अगर आप डिले पेमेंट करते हैं टैक्सेस की तो आपको 18% की इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूँ सेक्शन 51 की, इसके अंदर कुछ TDS डिडक्शंस की बात की गई है एट द रेट ऑफ 1%। कुछ स्पेसिफाइड केसेस में जो डिडक्टर है जो सप्लायर है वो बेसिकली 1% TDS डिडक्ट करेगा और किसको पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो जिस डिडक्टी का डिडक्ट किया जाएगा TDS उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, क्रेडिट दे देगी, जैसे कि TDS का क्रेडिट दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 52 के अंदर, इसके अंदर कुछ TCS की बातें की गई हैं दोस्तों। तो स्पेसिफाइड केसेस में लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केसेस में आपको 1% TCS कलेक्ट करना पड़ेगा और किसको पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेक्शन 53 के अंदर कुछ ऐसा कहा गया है कि अगर आप CGST यूज़ करते हैं IGST की पेमेंट के लिए तो ये जो फंड है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा IGST में। दोस्तों अगर मैं टैक्स क्रेडिट की बात करूं, सबसे पहले मैं अगर बात करूं CGST की, तो सबसे पहले CGST का क्रेडिट जो यूज किया जाएगा वो CGST की टैक्स पेमेंट के लिए, उसके बाद IGST की टैक्स पेमेंट के लिए किया जाएगा। अगर मैं SGST की बात करूं तो SGST का टैक्स क्रेडिट पहले यूज किया जाएगा SGST की पेमेंट के लिए, फिर यूज किया जाएगा IGST की पेमेंट के लिए। अगर मैं बात करूं UTGST की, तो UTGST के लिए सबसे पहले यूज किया जाएगा UTGST की ही पेमेंट के लिए, उसके बाद IGST की पेमेंट के लिए। अगर मैं दोस्तों IGST की बात करूं तो IGST का टैक्स क्रेडिट सबसे पहले यूज किया जाएगा IGST के लिए, उसके बाद यूज किया जाएगा CGST के लिए, और सबसे लास्ट में यूज किया जाएगा SGST के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि CGST के टैक्स क्रेडिट का हम यूज नहीं कर सकते हैं SGST के टैक्स की पेमेंट के लिए, और इसी तरह SGST के टैक्स क्रेडिट का हम यूज नहीं कर सकते हैं CGST के टैक्स पेमेंट के लिए। दोस्तों हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके की बातें की गई हैं GST पेमेंट प्रोविजंस के अंदर कि टैक्स क्रेडिट को हम कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे और किस किस के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 54 से लेकर 58 के अंदर कुछ रिफंड्स की बातें रहेंगी। अगर आप GST की एक्सेस पेमेंट कर देते हैं तो आप वहाँ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि एक पर्सन अगर रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसको 2 ईयर्स फ्रॉम रेलिवेंट डेट के 2 ईयर्स के अंदर एप्लीकेशन मूव करनी होगी रिफंड के लिए। रेलिवेंट डेट क्या है दोस्तों, अभी इतना प्रेशर मत लीजिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर रिफंड टाइमली पेमेंट आपको नहीं करता है डिपार्टमेंट, अगर डिले हो जाता है तो आपको कुछ 6% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा आपके रिफंड पर। इसी में कुछ सेफ
कस्टमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बात की गई है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बात की गई है। इनकेस अगर आपका रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वहाँ पर वो कंज्यूमर्स की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ बातें की हैं कि CWF की जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, इसकी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कैसे किए जाएंगे, इनकी ऑडिट्स कैसे होगी, एनुअल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाएंगी। दोस्तों रिफंड के साथ ही हम पढ़ेंगे GST रिफंड रूल्स भी। दो उसके बाद सेक्शन 59 से लेकर 63 तक कुछ असेसमेंट्स की बातें होंगी। सेल्फ असेसमेंट, ये तो आप जानते होंगे, जो हम खुद सेल्फ असेसमेंट करके जो अपनी टैक्स की पेमेंट करते हैं। उसके अलावा प्रोविजनल असेसमेंट, इन केस अगर आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, और आप प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट एंड स्क्रूटनी, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी स्क्रूटनी की जा सकती है। सेक्शन 62 में कुछ नॉन फाइलर्स की असेसमेंट की बात की गई है, जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते उनकी असेसमेंट कैसे रहेंगी। उसके बाद 63 में कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन अपने आप को जानबूझ के रजिस्टर नहीं कराते हैं उनकी असेसमेंट कैसे रहेंगी। कुछ इस तरीके की असेसमेंट्स की बातें होंगी दोस्तों, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे GST असेसमेंट एंड ऑडिट रूल्स। दोस्तों मैं अगर ऑडिट की बात करूं तो बेसिकली एक ऑडिट होगी बाय टैक्स अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज अपने आप ऑडिट्स करेंगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसकी वजह से टैक्स अथॉरिटीज अपने आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस क्या रहेगा, स्पेशल ऑडिट। बेसिकली CA/CS को अपॉइंट किया जाएगा और वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करेंगे। सेक्शन 67 से 72, इसके अंदर कुछ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट, कुछ ऐसी बातें की गई हैं। दोस्तों घबराइए मत, देखेंगे आप। 73 से लेकर 84 तक कुछ डिमांड एंड रिकवरी की बात की गई है कि इन केस ऑफ डिमांड उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। और 85 से लेकर 94 तक कुछ बातें की गई हैं लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। इनमें कुछ ऐसे लाइक अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस को ट्रांसफ़र कर देते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। अगर आप अमेलगामेशन मर्जर में जाते हो तो इन दैट केस आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। डायरेक्टर हो तो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर कैसे निकाली जाएगी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए कंपनी। और अगर आप पार्टनर हो तो एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कुछ इस तरीके की बातें की हैं, कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं दोस्तों जो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 95 to 106, इसके अंदर कुछ एडवांस रूलिंग की बात की गई है। एडवांस रूलिंग के साथ ही हम पढ़ेंगे GST एडवांस रूलिंग रूल्स। दोस्तों एडवांस रूलिंग उन केसेस में पॉसिबल, उन केसेस में एप्लीकेबल है जहां पर एक बिजनेसमैन को कोई ट्रांजेक्शन करनी है, कोई डील करनी है, लेकिन वो GST के टैक्स की कंप्लायंस नहीं समझ पा रहा है, तो वो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटीज़ को अप्रोच करेगा और वो उनको एक गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि इस तरीके की आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटीज़ रहेंगी। देखेंगे दोस्तों हम डिटेल में इसको भी। फिर बात आती है सेक्शन 107, 121, जिसमें कुछ अपील्स की और रिविजन्स की बातें होंगी।
दोस्तों आपने असेसमेंट तो करा ली, स्क्रूटनी तो करा ली, सर्च भी हो गई, सीजर भी हो गई, इंस्पेक्शन भी हो गई, डिमांड और रिकवरी भी निकल गई, लेकिन आपको लगता है ये सब गलत है, तो आप अपील कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, जीएसटी के अंदर रिवीजन, और डिपार्टमेंट खुद भी उसको रिवाइज कर सकता है सुओ मोटो भी। डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है तो खुद भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 122-138 के अंदर कुछ बातें की गई हैं ऑफेंसेस की, कुछ बातें की गई हैं पेनल्टीज की, कि अगर आप ऑफेंसेस करते हैं तो क्या क्या पेनल्टी आप पर लेवी की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद सेक्शन 139-142 के अंदर कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस रहेंगे, जो कि बेसिकली आपको बताएंगे आप एग्जिस्टिंग लॉज से जीएसटी लॉ के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशंस को, अपने आईटीसी को, इस तरीके की कुछ बातें की हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सेक्शन 139 रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा था, जो बात करता है माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन की इनटू जीएसटी। उसके बाद हमने आईटीसी के अंदर भी देखा था सेक्शन 140, जो बातें करता है अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है और वो आपको जीएसटी में फॉरवर्ड करते हैं तो इन दैट केस क्या कंप्लाइंसेस रहेंगे। 141 के अंदर कुछ जॉब वर्क्स के प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स अगर आप सेंड करते हैं तो उनको विद इन 6 मंथ्स आपको वापस लेकर आना पड़ेगा, कुछ ऐसी बातें की गई हैं। और सेक्शन 142 के अंदर कुछ मिसलिनियस बातें की गई हैं दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 143-174 ये कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस हैं दोस्तों जो हम स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोविजंस रहेंगे कि रिगार्डिंग कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो सैंपल ऑफ गुड्स ले सकती हैं आपके बिजनेस से, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए आपसे किसी भी गुड्स का सैंपल ले सकती है। कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ की बातें हैं कि बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो एसएससी पर रहेगा। फिर कुछ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें की हैं कि डिपार्टमेंट आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की कहीं और शेयर नहीं करेगा। कुछ लेवी ऑफ फीस की बातें की गई हैं कि कुछ फीस लेवी की जाएगी। कुछ ऐसी बातें की हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, कि गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर्स रहेंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें की गई हैं दोस्तों, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरा आज का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि हम 174 में किस तरीके की बातें करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 174 में कुछ इस तरीके के किस तरह के प्रोविजंस रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही हम एक और रूल रहेगा जीएसटी ई वे बिल रूल्स रहेंगे दोस्तों, जो हमें स्टडी करने होंगे। हमने देखा 3 शेड्यूल्स भी पढ़ने होंगे। तो दोस्तों अगर 3 शेड्यूल की बात करूँ, शेड्यूल नंबर 1 जिसमें ये है कि कुछ एक्टिविटीज जिनमें कंसीडरेशन नहीं होगा विदाउट कंसीडरेशन रहेंगी, उनको भी हम क्या मानेंगे सप्लाई। उसके बाद शेड्यूल 2 के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ एक्टिविटीज को क्लियर किया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को गुड्स माना जाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज को सर्विस माना जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पर टैक्स रेट तो एक ही लगेगा, लेकिन फिर क्यों इनको बाइफकेट अलग अलग किया जा रहा है, क्यों किसी एक्टिविटीज को गुड्स अलग माना जा रहा है सर्विसेज अलग माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि दोस्तों क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, दोनों का नेचर अलग है तो दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग रहेगी, जिसकी वजह से
हमें यह देखना पड़ेगा कि वो गुड्स है या सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनकी टैक्सेबिलिटी रहेगी। चल कुछ इस तरीके की बातें की हैं कि कुछ एक्टिविटीज जिनको ना तो गुड्स माना गया है ना ही सर्विस माना गया है, बेसिकली वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर रहेंगी। तो आई होप दोस्तों अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि 174 सेक्शंस के अंदर क्या क्या रहेगा, 14 रूल्स के अंदर क्या क्या रहेगा और 3 शेड्यूल्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्तों मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य ये था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, आपको बताऊं कि जीएसटी के अंदर कुछ इस तरीके की बातें रहेंगी। अब हम एक एक सेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों, एक एक रूल को डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक शेड्यूल को डिटेल में स्टडी करेंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट का स्कोप ही नहीं रहेगा। आई होप दोस्तों।